الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وبرهان الرشيد وإرشاد العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سورة بقرة ہے اور سورة بقرة کی पहली पांच आयात है। अलिफ लाम मीम हरूफे मुकत्तात हैं। इसका इल्म अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है और रसूल करीम के लिए इसमें क्या पैगाम है। और ये हरूफ़ मुकत्तियात उस वक्त अरब में, सिर्फ कुरान में नहीं है, अरबी शायरी में मौजूद थे और शायर भी इस्तेमाल करते थे और उनका मतलब शायर समझते थे और उनके सुनने वाले समझते थे। लेकिन ये कुरान के हरूफ़ मुकत्तियात जो है, अलिफ का मतलब क्या है, लाम का मतलब क्या है, मीम का मतलब क्या है, ये हरूफ़ मुकत्तियात का मतलब अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल और अल्लाह ताला के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान है। ज़ालिकल किताब, वो किताब। अब उस वक्त इसको किताब कहा गया जब ये किताब नहीं थी। अब ज़ालिका होना चाहिए हाज़ल किताब, ये किताब, लेकिन यह ज़ालिकल किताब, वो किताब। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त ये किताब मौजूद नहीं थी, कुरान गठरी में था, इसकी आयात जो है वो लिखी हुई थी चमड़े पे, कागज पे, कपड़े पे, हड्डियों पे, पत्थरों पे, लकड़ी पे, इस तरह याद लिखी थी और ये एक चादर में, एक गठरी में मौजूद था। उस वक्त ये किताब नहीं थी, इसलिए कहा गया ज़ालिकल किताब, वो किताब जो लोहे महफूज में महफूज है। अगर ये किताब होती तो होता हाज़ल किताब, ये किताब। दूसरा, अरब में जो लोग जब किसी के इज्जत से नाम लेना चाहते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला अपने आप को, अल्लाह ताला अकेला है लेकिन कहता है नहनु, हम, जिस तरह बादशाह भी अपने आप को कहते हैं हम, तो वो तो बादशाहों का बादशाह है, हमेशा हमेशा से बादशाह और हमेशा हमेशा के लिए बादशाह है। ये तमाम बादशाह उसके सामने, बल्कि कायनात उसके सामने एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। तो इसलिए इस किताब का रुतबा इतना ज्यादा है कि इसको कहा गया कि वो किताब ला राइब फी, इसमें कोई शक नहीं है। अब शक भी अरबी का लफ्ज है, रैब भी अरबी का लफ्ज है, तो इसमें कोई शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। फी ही इसमें हुदल्लिल मुत्तकीन, तो ये क्या किताब करती है, ये मुत्तकियों को
हदायत देते हैं। मुत्तकी कौन है? अब आगे उनका जिक्र है, आगे उनकी निशानियां बयान की गई हैं कि मुत्तकी कौन है और इनका रुतबा बड़ा है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और सूरह तौबा में भी फरमाता है अन्नल्लाह माल मुत्तकीन। फिर सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों के साथ भी है और उनसे मोहब्बत भी करता है। फिर इरशाद है वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों का दोस्त है और मुत्तकी अल्लाह के दोस्त है। मुत्तकी असल में कहते हैं ये बड़ा काफ दो नुक्ते वाला काफ वाओ काफ और ये वकी, ये इसका मादा है। वाओ बड़ा काफ और छोटी ये वकी, इसका मतलब है बचना और डरना। इन्हीं हम कहते हैं ये आम आप लोग दुआ पढ़ते हो पुरानी दुआ वकीना अज़ाब अन्नार, वाओ और काफ की उसके नीचे जेर है काफ, काफ का मतलब होता है बचना। वाकी वाओ और काफ बचना ना में, यानी हमें अजाब नार से जहन्नम से बचा ले। वा काफ जो है दोनों उत्तर इसका मतलब है बचना, और ये वाओ काफ और ये इसका मादा है। इसका असल मतलब है कि अल्लाह के डर की वजह से उन चीजों से बचना जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है। तो इसमें दो मतलब आते हैं, एक डर का मतलब और एक बचने का मतलब। अब इनकी निशानियां क्या हैं जो मुत्तकी हैं? अल्लाह जीना युमिनूना बिल गैब, पहली निशानी इनकी ये है कि ये गैब पर ईमान लाते हैं। इनने अल्लाह को देखा नहीं है, अल्लाह को तो सिर्फ स्वाय हजूर के किसी ने नहीं देखा, तो इन्होंने अल्लाह को देखा नहीं है लेकिन ये अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि वो मौजूद है। इंसानी फितरत क्या है कि इंसानी फितरत ये है कि जो चीज वो देखेगी नहीं उस पर ईमान नहीं लाएगी, लेकिन ये फितरत के अगेंस्ट फितरत के मुखालिफ कि इन्होंने अल्लाह को देखा नहीं है फिर भी ये अल्लाह पर ईमान लाते हैं। वयुकीमुनस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं, नमाज पढ़ते भी हैं और नमाज को कायम भी करते हैं। जो नमाज में पढ़ते हैं कि तू वादा उला शरीक है, अगली नमाज तक उस पर कायम रहते हैं। नमाज में पढ़ते हैं कि तू हमारा मालिक है, तो अगली नमाज तक उस पर कायम रहते हैं। दुनिया मालिक नहीं बन जाती, इनकी कारोबार मालिक नहीं बन जाता, इनके दोस्त और रिश्तेदार मालिक नहीं बन जाते, औलाद मालिक नहीं बन जाती, वही मालिक रहता है, वही अल्लाह रहता है, वही वादा उला शरीक रहता है। जो नमाज में जिक्र कर रहे हैं उस पर ये कायम रहते हैं। युकीमुनस्सलाह वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और ये नहीं समझते कि जो हमने रिस्क कमाया ये हमारा अपना है, ये नहीं समझते। मुत्तकी की निशानी क्या है कि वो ये समझेगा कि ये जो मुझे मिला है माल, इसमें लोगों का हिस्सा है, इसमें लोगों का हिस्सा है, मेरे रिश्तेदारों का हिस्सा है, यतीमों गरीबों का हिस्सा है, बेवाओं का हिस्सा है, और जो इनको रिस्क मिलता है उसमें से ये तकसीम करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा अब इनकी एक और निशानी बयान की। पहले कितनी निशानियां बयान की? गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, रिस्क को तकसीम करते हैं, जो रिस्क मिलता है उसको लोगों में तकसीम करते हैं, और जो आप पर नाजिल हुआ जो आप पर नाजिल हुआ कुरान, इस पर भी ईमान लाते हैं, और उससे पहले जितनी किताबें आई हैं तौरात इंजील जबूर और सहाइफे,
अंबिया इन पर भी ईमान लाते हैं, रबी लाखिरती हूँ यू की नून, और आखरत पर भी ईमान लाते हैं। ये किसकी निशानियां? ये मुत्तकियों की निशानियां, अल्लाह से डरने वालों की निशानियां। उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब इनको सर्टिफिकेट मिल गया है, जिनमें ये निशानियां उनको अल्लाह ताला एक सर्टिफिकेट अता फरमा रहा है। वो सर्टिफिकेट क्या है? उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम, ये हदायत याफ्ता है, ये हादी और मादी है। खुद भी हदायत याफ्ता और लोगों को भी हदायत देते हैं। वह उलाई का हुमुल मुफ्लिहून, और असल में यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, जो कामयाब हुए हैं वो यही है। अब इनकी निशानियां देखें, इनकी कामयाबी देखें, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि तकवा क्या है, अल्लाह से डरना क्या है। हजूर गौस सकलैन के वालिद एक सेब खाया तो अल्लाह से डरे, पता नहीं किसका ये सेब आ रहा है, हालांकि दरिया में आ रहा था, जिस तरफ से आ रहा था उस तरफ चले, बाग के मालिक के पास पहुंचे, कहा ये एक सेब खा लिया है, मैं 3 दिन से भूखा था, रोजे से था। तो कहा आप 12 साल मुलाजमत करोगे तो इस एक सेब खाने की माफी मिलेगी, 12 साल मुलाजमत की, जब 12 साल हो गए तो कहा अभी माफी नहीं मिलेगी, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी कानों से बहरी और अपाहज है, माजूर है, उससे निकाह करोगे तो फिर इजाजत मिलेगी, फिर माफी मिलेगी। जब निकाह हो गया तो देखा तो उसमें तो कोई, उनमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल आम औरतों की तरह नामवंदी थी, ना उनके कान बहरे थे ना माजूर थे, तो सारी रात नवाफिल पढ़ते रहिए, शायद कोई और औरत होगी। तो सुबह पूछा अपने ससुर से, हजरत अब्दुल्ला सौमई से, ये हजूर गौस सकलैन के वाले का वाक्या सुना रहा हूं। तो पूछा मूसा दोस्त चंगी जो उनका बात है, तो उन्होंने कहा भाई यही है आंखों से अंधी इसलिए है कि इसने कोई गलत चीज नहीं देखी जिसको अल्लाह ने मना किया है, कानों से बहरी इसलिए है कि कोई गलत नहीं सुना जिसको अल्लाह ने मना किया है, हाथों से और पांव से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको अल्लाह ने मना किया, इसलिए माजूर है, यही तुम्हारी बीवी है। और फिर इस तरह के मुत्तकी आदमी से, शख्स से, शख्सियत से, और इस तरह की मुत्तकिया औरत से कि जिसने पूरी जिंदगी कोई गलत काम नहीं किया और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे सारा काम किया और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी, इस तरह के दो मुत्तकी जब मिले तो फिर गौसे सकलैन पैदा। और आपकी वालदा कहती हैं कि मैंने कभी बगैर वुजू के गौसे सकलैन को दूध नहीं पिलाया, और गौसे सकलैन भी वो कि फरमाते हैं कि मैंने माँ के पेट में कुरान हिफ्ज किया, मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ती थी, मैंने माँ के पेट में कुरान हिफ्ज कर लिया, और ये वो चीज है। और फिर रमजान में सहरी में दूध पीते थे और इफ्तारी में दूध पीते थे। जब इस तरह के मुत्तकी हों जिनमें ये निशानियां हों, फिर उनकी औलाद ये होती है, और फिर उनकी औलाद ऐसी होती है। हजूर गौसे सकलैन सैयद अब्दुल कादर जिलानी 29 शाबान को पैदा हुए, 10 रबीउल सानी को आपका विसाल हुआ, 91 साल की उम्र थी। तो आप पहला रमजान में आपकी वालदा ने देखा कि ये बच्चा तो सिर्फ सुबह पीता है दूध और शाम को पीता है, दरमियान में पीता ही सारा दिन, जितना मर्जी पिलाए नहीं पीता। तो अगली दफा लोगों को मतला अबर आलूद था, बादल थे, समझ नहीं आई कि चांद निकला है कि नहीं निकला, रोजा है कि नहीं है। आपकी वालदा के पास आए
आपके वालिद के पास आए तो आपकी वालदा ने कहा इन्हें फरमा दें कि अब्दुल कादिर या सहरी में दूध पीता है या इफ्तारी में पीता है, आप रोजा रख लें। लेकिन अगर अब्दुल कादिर ने रोजा रखने के बाद दूध पी लिया तो समझना रोजा नहीं है, और अगर ना पिया तो समझ लेना रोजा है। तो इस तरह के वालिदैन से जो औलाद पैदा होती है, जो 12 साल नौकरी करे इसलिए कि एक सेब खाया है, फिर उसका बेटा 12 साल की डूबी हुई कश्ती को चराता है।